नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है ET एजुकेशन। और इस वीडियो में आपको फिर से जो 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जनरल नॉलेज के वो कराने वाला हूं। तो सभी चुनिंदा क्वेश्चन हैं, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। यदि आप इसी जैसे कि आप जानते हैं कि मैं जो 25 क्वेश्चन है उसके सीरीज चलाता हूँ, और ये लगभग आपका 10वां, ये 12वां पार्ट है, 12वां पार्ट है। तो सभी पार्ट्स में अगर आ चुका हूँ, सभी का नीचे आपको लिंक भी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप जहाँ पे वीडियो का टाइटल लिखा हुआ है टॉप 25 क्वेश्चंस, तो आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको जो सभी पार्ट्स हैं वो खुल जाएंगे। वरना जब ये वीडियो मात्र 20 सेकेंड की रह जाएगी तो स्क्रीन पर ही आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहीं से आपके क्लिक कर देना और जो भी पार्ट आपने नहीं देखा है उसे देख सकते हैं। तो आप और भी देख सकते हैं, साइंस में कंप्लीट करा चुका हूँ, साइंस के मैं 55 पार्ट बना चुका हूँ जिसमें लगभग 90% जो साइंस है हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है वो 55 पार्ट्स। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी का लिंक मिलेगा, वहां से देख सकते हैं। वरना जब ये वीडियो मात्र 20 सेकंड की रह जाएगी तो स्क्रीन पर पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा कि जो भारतीय रुपया है उसके नोट पर कितनी भाषाओं में उल्लेख होता है। तो कितनी भाषाओं में वहां पे लिखा रहता है, जितने का भी नोट होता है वही लिखा रहता है, तो वो कुल मिला के 17 भाषाओं में होता है, ऑप्शन बी 17 भाषाएं। नेक्स्ट है कि बांग्लादेश में गंगा को किस नाम से जाना जाता है। तो बांग्लादेश में गंगा को बोलते हैं पद्मा, ऑप्शन ए पद्मा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने के लिए होता है अवतल लेंस, क्योंकि अवतल लेंस का कार्य क्या होता है, किसी भी चीज को बड़ा दिखाना, ठीक है, किसी भी चीज को बड़ा दिखाना कार्य होता है अवतल लेंस का। तो अवतल लेंस और जो उत्तल लेंस होता है उसका कार्य होता है किसी भी चीज को छोटा दिखाना। अब देखिए, अवतल लेंस इस तरीके से होता है और उत्तल लेंस इस तरीके से होता है। तो अवतल लेंस जो है वो बड़ा दिखाता है, क्योंकि इस तरीके से होता है अवतल लेंस, ठीक है, इस तरीके से दिखाता है। और उत्तल, अब लेंस की बात कीजिए, दर्पण की बात कीजिए, दोनों इसी सिद्धांत पे कार्य करते हैं। अवतल जो दर्पण होता है वो इस तरीके से किरणों को इकट्ठा करता है, और जो उत्तल दर्पण है वो इस तरीके से किरणों को इकट्ठा करता है। तो दोनों में अंतर होता है। तो ये छोटी चीज को दिखाता है, मतलब छोटे दिखाता है चीज को, जो उत्तल होता है उत्तल दर्पण, और जो अवतल दर्पण होता है ये चीज को बड़ी दिखाता है। तो दाढ़ी बनानी है तो सीधी सी बात, हमें कोई चीज है वो बड़ी देखनी पड़ेगी दाढ़ी बनाते समय हमें, तो अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ऑप्शन ए। और जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो विवेकानंद शिला है, विवेकानंद शिला से विवेकानंद रॉक भी बोलते हैं, क्योंकि रॉक मतलब एक शिला ही होती है, तो स्मारक कहाँ पर है। तो यह है कन्याकुमारी तमिलनाडु में, ऑप्शन डी विवेकानंद रॉक कहाँ पर है, ये कन्याकुमारी में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो लोसांग उत्सव है वो किस राज्य से संबंधित है। तो लोसांग उत्सव जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है सिक्किम में, ऑप्शन ए सिक्किम। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन बीजापुर क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए, जो कन में से कौन सा उद्यान या अभयारण्य है जो बीजापुर में स्थित है, तो वो है इंद्रावती, ठीक है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है बीजापुर है। बीजापुर कहाँ पे, बीजापुर कर्नाटक का एक शहर है, कर्नाटक। तो जो इंद्रावती है ये भी कर्नाटक का एक शहर है। देखिए, इंद्रावती एक राष्ट्रीय उद्यान भी है, इंद्रावती एक शहर का नाम भी है, तो ये बीजापुर के आसपास पड़ता है, तो ये कर्नाटक में स्थित है। तो बीजापुर में कौन सा क्षेत्र है, वो है इंद्रावती, ऑप्शन डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र सहयोग संघ, जिसे सार्क बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना की गई थी वर्ष 1985 में, और इसका जो मुख्यालय है वो है काठमांडू में। काठमांडू कहाँ पे है, और वो नेपाल में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले बताते, यदि आपको याद है तो आपको बताओगे, यदि आपने नहीं देखा तो आप सुन लीजिए। कोई व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो ये हमारा मौलिक अधिकार है कि उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय राज्य का जो संवैधानिक अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। तो भारतीय राज्य का संवैधानिक, ध्यान रखना, संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, और कार्यकारी अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। तो यहाँ पे सिर्फ संवैधानिक अध्यक्ष पूछा जा रहा है तो राष्ट्रपति होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि सत्य के साथ मेरे प्रयोग पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए, ये हिंदी में आ गया लेकिन जो वास्तविक नाम है इसका वो इंग्लिश में है, और जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। तो ये पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई थी, M.K. गांधी। तो ये यहाँ पे हिंदी में आ गया है तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो अंग्रेजी हिंदी में सिर्फ नाम है, वास्तविक नाम तो इसका था माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, सत्य के साथ मेरा प्रयोग। तो ये महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है कि सबसे कम उम्र में जो नोबेल पुरस्कार जीता थे वो कौन थे। तो सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार जीता था मलाला यूसुफजई ने, ऑप्शन ए मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कालिदास जो थे उनमें से किसके समकालीन थे। तो कालिदास जो रहते थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे कालिदास।
नेक्स्ट है कि पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो पेरियार, जैसे कि पेरियार एक झील का नाम भी है और वो कहाँ पर है, तो वो है केरल में। तो उसी तरीके से जो पेरियार जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो भी केरल में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कौन से संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला था। तो पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो मिला था 73वें संविधान संशोधन में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन फ्लड निम्न में से किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो है ये एक क्रांति थी और ये संबंध है दूध उत्पादन से, ऑप्शन ए दूध उत्पादन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है वो कौन सी है। देखिए जो चिल्का झील है ओडिशा में है, चिल्का झील ये सबसे बड़ी खारे पानी की झील। हालांकि सांबर झील भी खारे पानी की झील है, ये राजस्थान में है, लेकिन ये सबसे बड़ी नहीं है। तो सबसे बड़ी चिल्का झील है ओडिशा में, ठीक है। और सांबर झील कहाँ पर है, ये राजस्थान में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था वैदरथ, और मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य, और जो चाणक्य था वो इसी के दरबार में रहता था। तो वैदरथ जो था अंतिम सम्राट, इसको मारकर जो पुष्यमित्र सूग था, पुष्यमित्र सूग उसी ने उसकी हत्या करके मतलब जो अपना अलग साम्राज्य बनाया था, अलग वंश की स्थापना की थी, जिसका नाम था पुष्यभूति वंश। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि महात्मा गांधी किस आंदोलन में मार्च 1919 में धरने पर बैठे थे। तो जो रोलैक्ट एक्ट था, ऑप्शन बी रोलैक्ट एक्ट, इसी के विरोध में महात्मा गांधी जी जो थे वो धरने पर बैठे थे। रोलैक्ट एक्ट आपको पता होगा ये क्या था, इसे काला कानून भी बोलते हैं। काला कानून मतलब कि इसमें क्या होता था कि संदेह के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था, सिर्फ संदेह के आधार पर। तो ये इसलिए हुआ था कि भाई आप जानते हैं कि जो भारतीय क्रांतिकारी थे वो काफी ज्यादा मतलब कभी किसी को मार देते थे, कभी किसी में कहीं भी बम फोड़ देते थे, तो कोई सबूत नहीं हो पाता था, इसलिए किसी को गिरफ्तारी भी नहीं हो पाती थी। तो इसी कानून को इसलिए लाया गया था कि सिर्फ संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता था। तो इसी के विरोध में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो भी इसी के विरोध में हुआ था, क्योंकि इसी के विरोध के लिए वो जो जनरल डायर जो क्या बोलते हैं जलियांवाला बाग था उसमें सभा कर रहे थे विरोध के लिए, तो वहीं पर वो हत्याकांड भी इसी के विरोध में हुआ था, रोलैक्ट एक्ट के विरोध में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कराता है। तो राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण कौन कराता है, तो वो कराता है सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश ही राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, ऑप्शन ए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। अब देखिए मिश्रित एक तो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, एक होता है मिश्रित कृषि, ठीक है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था आप क्या है पहले वो आप देख लीजिए। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था वो होती है कि सार्वजनिक एवं निजी उद्योग सह अस्तित्व, ठीक है, इन दोनों का ही अस्तित्व एक साथ होना, जैसे कि भारत है। भारत में जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो प्राइवेट भी और सरकारी है। जैसे कि जब हम बात करते हैं एनटीपीसी की, एनटीपीसी ये क्या है भाई, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये पूरी तरीके से सरकार के अधिपत्य में, यानी कि ये सार्वजनिक है ये जो एनटीपीसी है। और एक है हमारी रिलायंस, ठीक है, रिलायंस क्या है, पूरी तरीके से निजी है। तो कह सकते हैं हम कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है वो प्राइवेट भी है और सरकारी भी है, तो इसी को बोलते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित। एक होता है मिश्रित मतलब मिश्रित कृषि, उसका मतलब क्या होता है कि मतलब कृषि और प्लस पशुपालन, ठीक है। यदि होता है कि मिश्रित कृषि से क्या तात्पर्य है, तो इसका मतलब होता है कृषि और कृषि प्लस पशुपालन, ये होता है इन दोनों का एक साथ होना, इसको बोलते हैं मिश्रित कृषि, ठीक है। तो इसका आंसर जो ऑप्शन ए है, बाकी आप जो मिश्रित कृषि है वो है कृषि प्लस पशुपालन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जोड़ों पर अस्थियों की एक बड़ी संरचना द्वारा जकड़ी रहती है, जिसे क्या जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो देखिए जोड़ जो आपस में जुड़े होते हैं, अस्थि जो होती है, अस्थि जो आपस में जुड़ी होती हैं, तो उनको जो जोड़ती है उसे क्या बोलते हैं, जो जोड़ने की संरचना होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लिंगामेंट, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जो अस्थि से अस्थि जुड़ी होती है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं लिंगामेंट, और जो अस्थि से पेशी जुड़ी होती है उस जो संरचना होती है उसे बोलते हैं हम टेंडन, ठीक है। दोनों को थोड़ा सा डिफरेंस है, जब अस्थि से अस्थि जुड़ती है तो लिंगामेंट होता है, जब अस्थि से पेशी जुड़ती है तो टेंडन होता है। तो दोनों ही बातें आपको ध्यान रखनी है। तो दैट्स इट, इस वीडियो में इतना ही था। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कुछ भी कहना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने का जो एक रेड का
निशान है सब्सक्राइब का, उसके दबाने के बाद जो एक बेल का निशान आता है उसको जरूर प्रेस करें, क्योंकि तभी आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। तो कुछ भी डाउट हो तो कमेंट में लिखकर मुझे जरूर बताएं। तो वीडियो में इतना ही था, देखने के लिए धन्यवाद।